इंदौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि देर शाम ही एक व्यापारी को लूट का शिकार बनाते हुए उससे 44,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा यह व्यक्ति है रमेश सिसोदिया, जो मकान बनाने का काम करता है। जब यह बाइक से किसी व्यक्ति को रुपए देने जा रहा था, उसी दौरान एक युवक द्वारा उसे रोका गया और पत्थर लगने की बात पर विवाद किया। वह कहा कि जिसे पत्थर लगा है उससे माफी मांगे। जब रमेश इस बात के लिए राजी हुआ तो बहाना बनाकर उसकी जेब से 40,000 रुपए निकाल लिए व लेकर भाग निकले। हाँ बता था क्या हुआ बताओ। देखो यहाँ से जिसकी बरवा गम जा रहे थे, हाँ, ट्रैक्टर के पीछे पीछे, हाँ, मोटरसाइकिल याली थी मेरी, हाँ हाँ बोलते जाओ। मेरे को वो लेके गया यहाँ से पेट्रोल पंप तक, मतलब वो नहीं, मैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे गया। एक छोरा आया, लाल गाड़ी पे था, लाल शर्ट था, तो उन्होंने मेरे को रोका वहाँ पे पेट्रोल पंप के आगे कोने, बोले आपकी गाड़ी से बोले गिट्टी उड़ गई, ठाकुर साहब का कान छूट गया, उनका खून निकला, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। बोले माफी भी नहीं मांगी, आप रुके भी नहीं, बोले चलो उनसे माफी मांगो, रुको नहीं तो आपको मारेंगे, ऐसा करें। वो मेरे को गाड़ी में बोले आपकी यहीं गाड़ी कर दो, गाड़ी वहाँ रिक्शा वाले के पास खड़ी करके, और रिक्शा वाले को बोल के भी गाड़ी का ध्यान रखना। तो और वो मेरे को यहाँ तक बिठा के लाया चर्च के कोने में उधर वहाँ पे, और मेरे को वहाँ उतारा, तो वो बोले आपके पास पैसे ऐसे तक नहीं, तो बोले मेरे को दे दो कि तुम वहाँ छीन लेंगे तुम, बोले माफी मांग लेना। कितने पैसे थे आपके पास? 40,700। कितने लोग थे चीटने? एक अकेले ही था, अकेला छोड़ा, अकेले ही था, लाल सर सर। क्या पहले तुम्हें बोले लग गए किसी को? हाँ, कहाँ छूट गया उसका, उसको खून निकल आया। काय के कामकाज के पैसे थे 40,000? वो टाइल्स वाले को देना था मेरा। ठीक है, तुम्हारा नाम बताओ? रमेश सिसोदिया। काय का कामकाज है? मकान बनाता। फरियादी जब थाने पहुंचा तो फिर एक बार पुलिस सीमा विवाद में उलझती नजर आई। फिलहाल मामला द्वारकापुरी थाने में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिट्टी लेने आया था वो, उसके पीछे एक लड़का गया मोटरसाइकिल लेके, उसने गाड़ी रुकवाई, बोले कि मालिक को गिट्टी लग गई, उड़ के कांच फूट गया वगैरह, उसके सिर में लग गई, तो चलो उसका इलाज करा दो। इस कारण से उसको रिटर्न बिठा के लाए साथ में, और रास्ते में उतार के उसके पैसे थे मंगली उससे, और लेके चला गया। कितने लोग थे उस समय? एक ही आदमी था। तो ठगी क्या, लूट का क्या? 420 का मुकदमा। कितना अमाउंट लेगा? तो 40,000। ठीक सर, थैंक यू सर।